दोस्तों आज मेरे पास एक प्रोडक्ट आया है जो कि है होविंस दस्यार पोर बैंक्स एज लेदर ब्लैक ब्राउन, एज लेदर ब्राउन। यहाँ पर लेदर कलर में ब्राउन कलर की है, ठीक है, लेदर ब्राउन कलर की मेरे पास एक पावर बैंक आई है जो कि मैंने सिमसिम की तरफ से ये प्रोडक्ट मंगाया था, वो मेरे पास आ चुका है। तो इस प्रोडक्ट की जो है हम इस वीडियो में आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे कि ये जो पावर बैंक है वो किस तरीके की है, और उसका पावर बैंक का रिव्यू भी इस वीडियो में देंगे, और आप उसको अनबॉक्स करके अच्छी तरीके से बताएंगे किस तरीके की ये पावर बैंक है। और मैं बता दूँ ये मेरे पास सिमसिम की तरफ से आया है जो कि 449 रुपये का आया है, और मैंने इसको 449 रुपये वाले को 329 रुपये में परचेस किया है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे मैंने इसको परचेस किया है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसको सबसे पहले अनबॉक्स करूँगा। तो यहाँ पर मेरे पास एक पॉलीथिन है जिसमें ये पैक होकर आई है, तो मैं इस पॉलीथिन को थोड़ा काट लेता हूँ, उसको हटाकर मैं आपको इसको अनबॉक्स करके दिखाता हूँ। तो मैं इस पॉलीथिन को यहाँ से इसको छुड़ाता हूँ और इसको अभी फाड़ के भी आपको इस प्रोडक्ट को दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो हमारी पावर बैंक की पैकेजिंग है कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर हमारी जो पावर बैंक है वो पैक होकर आई है। अब यहाँ पर एक बिल निकला है नीचे थोड़ा, और यहाँ पर ये पावर बैंक है, यहाँ पर अच्छी तरीके से पैक है। तो हम इसको जो है पैकेजिंग हटा लेते हैं, यहाँ पर ये टेप लगा हुआ है ऊपर, तो हम इस टेप को हटा लेते हैं। यहाँ पर बिल है, और बाकी आप इस बिल पर देख सकते हैं ये होविंस कंपनी की दस्यार पावर बैंक एज लेदर ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पर लेदर ब्राउन कलर की ये पावर बैंक मंगाई है हमने, और ये 449 रुपये की आपको पड़ेगी। अगर आपको कहीं से भी मंगाना है तो ये लगभग 449 रुपये की होगी, जो कि मैंने 329 रुपये में परचेस की है, 449 वाली ही। तो यहाँ पर मैं इसको जल्दी से फाड़ लेता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको फाड़ के अभी आपको दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने फाड़ ली है, तो अभी देख सकते हैं आप यहाँ पर कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पर ये फट गई। और उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके सामने एक बॉक्स आएगा, तो उस बॉक्स में यहाँ पर लिखा हुआ है एज ए बी आर ब्राउन कलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इसको ओपन करेंगे हम यहाँ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्टेबल चार्जर यहाँ पर लिखा हुआ है, और बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फास्ट चार्जर वगैरह। और हम इसको ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारे सामने एक डाटा केबल है, यहाँ पर आप डाटा केबल को देख सकते हैं, ये बहुत ही छोटा डाटा केबल है, आपके मोबाइल के हिसाब से सही होगा, इसकी आपका मोबाइल जो है इसके पास ही रहेगा। और बाकी आप इसमें देखेंगे तो आपको यहाँ पर एक पावर बैंक दिखाई देगी जो कि लेदर ब्राउन कलर की है, जो कि हमने यहाँ पर परचेस की है, तो कुछ इस तरीके की है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लेदर ब्राउन कलर है, कैसी आपको देखने में लग रही है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके की है, यहाँ पर डिज़ाइन देख लीजिएगा, और यहाँ पर ये बटन है, तो यहाँ पर हम पावर वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं। जैसे कि हमने इस बटन पर क्लिक किया तो यहाँ पर कुछ देर हम आपको अभी आगे बताएंगे हम ये किस तरीके से अच्छी तरीके से यहाँ पर काम करती है, LED कैसे जो है ऑन होती है। आपको यहाँ पर आप क्या करना है, डाटा केबल लगा के ये आउटपुट है, यहाँ से आप डाटा केबल लगाएंगे और ये जो लीड है इसको आप अपने मोबाइल में लगा सकते हैं। और उसके बाद आप वहाँ से देख सकते हैं लाइट जो लगी हुई है, यहाँ पर ये लाइट है, तो यहाँ पर ये तो नहीं पता है किस तरीके से यहाँ पर काम करती है लाइट, और यहाँ पर आप अपने मोबाइल को लगा सकते हैं तो तुरंत ही चार्ज होगा। और यहाँ पर ये इनपुट है, आपको LG 3500 की इसमें लीड लगा कर इस पावर बैंक को चार्ज करना है, यहाँ से जो है बिजली आएगी और यहाँ से बैटरी का जो करंट है वो निकलेगा। और अगर आप इसी पावर बटन पर दो बार क्लिक करते हैं, जैसे कि मैं दो बार क्लिक किया तो बंद हो गया, मतलब मैंने इस पर दो बार बटन दबाया, और आप यहाँ पर लाइट देख सकते हैं इसकी नीले कलर की लाइट है। तो मैं इस बटन को दो बार और दबाऊंगा, तो यहाँ पर ये है सामने वाली जो लाइट है हमारी जो LED बल्ब वो जल जाएगा, तो वो इस तरीके से ऑन होता है। तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके की पावर बैंक लग रही है। तो हमने अपने साथ में एक मोबाइल ले लिया है, और इस मोबाइल को हम इसकी जो लीड है इस लीड को हमें अपने मोबाइल में लगाते हैं, तो हम आपको लगाकर दिखाएंगे ये किस तरीके से काम करता है। मैंने अपने मोबाइल में चार्जिंग लीड को लगा लिया है, तो अभी आप देख सकते हैं मेरा मोबाइल अच्छी तरीके से यहाँ पर चार्ज हो रहा है, और आप इस तरीके से यहाँ पर पहचान पाएंगे। जैसे ही आप इस बटन पर दो बार क्लिक करेंगे तो अगर लाइट जल जाए तो समझ लीजिए आपकी जो पावर बैंक है वो अभी ऑन है,
और उसके बाद आप लाइट बंद कर देंगे तो भी आप इसमें पिन लगाएंगे, जैसे कि यूएसबी केबल लगाएंगे तो समझ लीजिए आपका जो मोबाइल है वो चार्ज होगा। अब यहाँ पर दो बार मैंने क्लिक किया तो बंद हो गई, और दोबारा मैंने इसको दोबारा दबाऊंगा तो फिर ऑन हो जाएगी, दोबारा दबाया बंद हो गई। कुछ इस तरीके से यहाँ पर बहुत ही सिंपल पावर बैंक है। अब आप इसको निकालना पड़ेगा आपको यहाँ से यूएसबी प्लग को, तो समझ लीजिए वहाँ से। अब क्या है कि आप दो बार क्लिक करेंगे तो लाइट बंद हो जाएगी। यहाँ पर ये कुछ अलग तरीके की एलईडी लाइट है, अगर आप इस पर थोड़ी देर क्लिक करे रहेंगे, जैसे कि थोड़ी देर इसको दबाए रखो तो ये स्विच ऑफ हो गई। अब ये जो पावर बैंक है स्विच ऑफ हो गई। अगर आप इसमें यूएसबी केबल लगाएंगे तो अब हमारा जो मोबाइल है वो अभी चार्ज नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल है वो अभी चार्ज नहीं हो रहा है। अब आप इस पर थोड़ी देर क्लिक करे रखिए तो यहाँ पर ये इस तरीके से ऑन हो गई, और देख लीजिए वहाँ पर भी हमारे मोबाइल चार्ज हो रहा है। थोड़ी देर क्लिक करे रहेंगे तो स्विच ऑफ हो जाती है, और थोड़ी देर और आप क्लिक करेंगे तो ऑन हो जाती है। तो आप इसकी चेक जो है लाइट जलाकर कर सकते हैं, या यहाँ पर एलईडी बल्ब कुछ इस तरीके से जल जाता है। ठीक है, एलईडी बल्ब यहाँ पर ऑन हो जाता है और आप थोड़ी देर क्लिक करे रहेंगे तो यहाँ पर ये स्विच ऑफ हो गई। तो इस तरीके से आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पता लगा पाएंगे ये काफ़ी सिंपल पावर बैंक है। और दो बार आप और प्रेस करेंगे इसी बटन को तो आपकी जो लाइट है वो ऑन हो जाएगी, और लाइट ऑन होगी तो समझ लीजिए कि हाँ लाइट ऑन हो रही है, तो हमारी पावर बैंक भी अभी ऑन है। और जैसे ही यूएसबी केबल लगाएंगे तुरंत ही आपका मोबाइल चार्ज होने लग जाएगा। तो काफ़ी सिंपल पावर बैंक है, आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको ऑर्डर करके अपने घर पर अपने एड्रेस पर मंगा सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी पावर बैंक है ये, और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। आप किसी भी फ्लिपकार्ट, अमेजन, सिमसिम, आप किसी से भी कर सकते हैं। इसको मैंने सिमसिम से ऑर्डर किया था, सिमसिम एप्लीकेशन से। तो यहाँ पर ये 449 रुपये की पावर बैंक थी और 20 रुपये डिलीवरी चार्ज था, तो यहाँ पर ये 469 रुपये की हो गई। मैंने पेफोन से यहाँ पर किसी को रुपये पे किए थे तो 100 रुपये का मुझे डिस्काउंट कूपन मिला सिमसिम की तरफ से, तो मैंने वो कूपन अप्लाई किया था तो मुझे 100 रुपये और डिस्काउंट हो गए, तो वो हो गई 369 रुपये की। उसके बाद जब मैं पेमेंट कर रहा था तो मैं कैश ऑन डिलीवरी कर रहा था तो मुझे 369 रुपये पे करने पड़ रहे थे, लेकिन उसमें बताया गया था आप किसी ऑनलाइन मोड से पेमेंट करेंगे जैसे कि डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू तो आपको 40 रुपये का अभी के अभी तुरंत डिस्काउंट मिल जाएगा। तो मुझे 40 का और डिस्काउंट मिल गया। डिलीवरी चार्ज लगाकर ये 469 रुपये की हो रही थी, लेकिन मेरे 140 रुपये इस तरीके से कम हुए 100 और 40, तो यहाँ पर मुझे टोटल 329 रुपये की पड़ी। तो यहाँ पर 329 रुपये में ये हमारे एड्रेस पर आ गई। सो इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से जाकर इसको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में लिखिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।